हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मेरी असाइनमेंट का 60। और वैसे देखो आपको साइड में क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, तो असाइनमेंट क्या स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, आजकल के तो बच्चे बहुत होशियार हो गए। खैर, तीन पार्टनर है, अंकुर, भावना एंड दिशा। तो मैं फर्स्ट अल्फाबेट ले लेता हूँ ए, अंकुर, भावना बी एंड डी। फर्स्ट अप्रैल को इसका बैलेंस कैपिटल का है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो इनका कैपिटल कैपिटल 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:3:2, और इनका पीएसआर है 7:3:2। ठीक है, पार्टनर एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो भाई इसके ऊपर आईओसी मिल जाएगा 6%, जैसे नॉर्मली होता है। एंड सैलरी टू भावना एट द रेट, यहां पे एक्स बाय मिस्टेक आ गया, एट द रेट 50,000 पर एनम इसको सैलरी दिया जाएगा। बोलिए ना, 50,000। एंड कमीशन ₹3,000 पर मंथ, और इसी को कमीशन भी दिया जाएगा। 3,000 पर मंथ का मतलब ₹36,000 पूरे साल का। टू दिशा, सॉरी, एंड कमीशन टू दिशा। ओहो, कमीशन इसको है, कमीशन वाला पॉइंट ना इसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इसके ऊपर है, समझ जाओगे ना आप, कमीशन इसके ऊपर है। दिशा, एज पर प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, अब क्या कहता है पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है, भावना शेयर प्रॉफिट, जो भावना है इसको क्या मिलेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट लेस देन 170। बोलता है भावना, सुनते हो भावना, आपको 1,70,000 रुपए मिलेगा, लेकिन कैसे, नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, है ना। इसके बाद दिशा, बोलता है दिशा इधर आओ, आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, आपको भी कुछ गारंटी दिया जा रहा है, यानी दो पार्टनर को गारंटी, आपको 1,50,000 रुपए मिलेंगे कम से कम, लेकिन 1,50,000 रुपए कैसे, आपको प्रॉफिट तो है ही है, क्या जुड़े जोड़ना, इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के, लेकिन एक्सक्लूड सैलरी, तो सैलरी ने आपने लेना ही नहीं है। वेरी सिंपल, इस गारंटी एट नॉट लेस देन, नॉट लेस 150 पर एनम, एनी डेफिशिएंसी अराइज दैट शैल मीट बाय अंकुर। बोलता है भाई इन दोनों को अगर कुछ दिक्कत हो गई ना इसमें, तो अंकुर तुम जिम्मेदार होगे, तुम अपनी जेब से भरोगे, यानी इसने दोनों को ही गारंटी दिया है। द प्रॉफिट 950, आपका प्रॉफिट दे रखा है 9,50,000। तो मैं देखो पहले से ही फॉर्मेट बना के तैयार कर रखा है मैंने। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? नाइन फिफ्टी, नाइन फिफ्टी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा, और डी 14 लाख पे 6%, 84,000, सेम 6 लाख पे 36,000। इसको ज्यादा नहीं मिल गया कैपिटल लेके आया, लग तो रहा है कि भाई ये ज्यादा कैपिटल आया, 6%, 24,000, जोखिम भी ज्यादा ले रहा है। तो कुछ बच्चे सोच रहे जोखिम क्या, बोल दिया रिस्क। देखो ये कैपिटल 14 लाख लाया है, तो रिस्क भी ले रहा है भाई, हो सकता है कुछ भी। 36,000, 144। अब सैलरी की भी बात कर रहे, किसको सैलरी मिला है, सैलरी सिर्फ मिला है किसको, बी को 20 सैलरी, बी का सैलरी क्या है, 50,000 रुपये। ठीक है,
एक बार चेक करें, बी को मिला या डी को मिला बताओ भाई, क्योंकि कहता है भावना 170 है और दिशा को सैलरी, कहीं दिशा का तो नहीं था, चेक कर लीजिए भाई कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गया। सैलरी टू भावना है, भावना को ही मिला है भाई सैलरी तो। अब इसको पता नहीं कहां से आगे कह रहा है क्वेश्चन में, चलो भावना को सैलरी 50, अब टोटल प्रॉफिट तो दिशा का कमीशन। थर्टी सिक्स, ठीक है 36। तो हमने क्या करा, सारा प्रोसीजर करने के बाद इसका कमीशन, क्वेश्चन में बोला गया भाई तुम्हें 1.50 से कम नहीं मिलेगा, तुम्हें 1.70 से कम नहीं मिलेगा। अब चेक करते हैं किसका क्या क्या मिलता है, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक जगह एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से बताया गया है। तो 9.50 का हमारा नेट प्रॉफिट है, -144, -50,000, -36,000, डिवाइडेड बाय 7 × 3 = 10 = 12 × 7, 4 = 20, ए बी और डी इसके हिस्से में आएगा 4 = 20। अभी माइनस प्लस कर लेंगे और 3, 1 = 80, 1 = 80 के बाद 2 = 120, ठीक है। अब देखो इसको कितनी गारंटी थी, 1.70, मिला कितना 1.80, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है कि नहीं। इसको 1.20 मिला लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका चेक करते हैं 150 हो रहा है क्या, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000। तो भाई मैंने बोला तुम्हें कम से कम 1.50 मिलेंगे, तो भाई तुम्हें प्रॉफिट मिल गया ना 1.20, और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने मिले थे 24, इसका मतलब इसको 1,44,000 रुपए तो मिल गए। सोचिए आप, 1,44 इसको मिल गया, और मैंने तुम्हें कितने देने का वचन दिया था, दिशा तुम्हें मैं कितने दूंगा 1,50,000, तो भाई कम कितने पड़ गए 1.50 में 6,000, तो 6,000 यहाँ प्लस करिए और यहाँ 6,000 माइनस करिए, बस दैट्स इट। तो 4,14,000 बाहर लिख दीजिए, अंदर लिख दीजिए बात एक ही है, और 1,26,000 मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये 9,50,000। ये था आपके मेरे नोट्स का क्वेश्चन 16। समझ में आई बात आपको, फटाफट से नोट करिए आप ये। हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं असाइनमेंट का, इसके बाद लगभग लगभग आपका, मैंने बताया एडवांस क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कहता है 61 क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे पार्टनर ए एंड बी है, एक अंकुर है एक बी है, ठीक है बॉबी बिजनेस में एंटर करता है, द शेयर प्रॉफिट 3:2, और इनका पीएसआर जो रखा गया वो रखा गया 3:2 का, और दे एडमिट रोहित 1/5 के लिए, यानी एक आर पार्टनर को एडमिट किया जाता है 1/5 के लिए। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं इसका रेशियो निकालना, वैसे मैं निकाल देता हूं। लेट क्या करेंगे हम, टोटल शेयर वन, रिमेनिंग आफ्टर जो न्यू पार्टनर होता है उसके बाद सोचते हैं, आर 1 1 -5 यानी 4/5, तो ए का हिस्सा होगा ए शेयर में 4/5, तो दोनों का है ना, तो इसका है 3/5। ऐसे बी का निकाल लेंगे, 4/5 में से इसका कितना था 2/5, हम ये देखते हैं 3/5 एंड 2/5 इसको छोड़ देते हैं, ठीक है 8/25, रेशियो सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो हमारा है 12/25 पहले पार्टनर का, 8/25 दूसरे का, और 1/5, तो इंटू में 5 इंटू में 5, तो रेशियो आ गया 12:8:5। सिंपल। आगे कहता है, रोहित एंड आपका एलुमिनी ऑफ चेन्नई वुड हेल्प टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है टू वेरियस साउथ अफ्रीका कंट्री वेयर हैड द वर्किंग अर्लियर, जहां पे वर्किंग करना चाहता है पहले किया था। रोहित इज अ गारंटीड, और रोहित साउथ अफ्रीका में काम कर चुका है, रोहित को गारंटी बोला गया 2 लाख मिलेंगे। बोला गया रोहित कम से कम तुम्हें तो 2 लाख रुपए तो निश्चित है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे कहता है, एनी डेफिशिएंसी रोहित बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी 4:1 के रेशियो में, कोई भी डेफिशिएंसी आता है तो अंकुर और बॉबी 4:1 के रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। ठीक है, मजेदार की बात यह है कि सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट लिखते थे और बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाता था। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, हमारा लॉस, हमने लिखा यहां पे नेट लॉस 10 लाख रुपए का है ना। अब सबसे पहले बताओ, क्या लॉस में इसकी हिस्सेदारी होगी आर की? सोचो, जब रोहित को गारंटी दिया गया, क्या इसकी हिस्सेदारी होगी लॉस में? जवाब है सर, इसका हिस्सेदारी तो नहीं होगा। तो मैं पहले इसको प्रॉफिट तो दे दूं, नेट लॉस हम तीनों में बांट देते हैं। जब तीनों में बांटेंगे हम 10 लाख को, तो रेशियो क्या है हमारा 12:8:5 का, अगर हम निकालते हैं 10 लाख के लॉस को, तो 10 लाख/12, इसके हिस्से में 4.80, एट इसके हिस्से में 3.20, लेकिन रोहित के हिस्से में भी चला गया हमारा 2 लाख रुपए का लॉस। अब बताओ, रोहित बोलेगा कि लीगल रूल के हिसाब से आपने तो मुझे प्रॉफिट देने का गारंटी दिया था, लॉस के लिए तो मैं आया नहीं था। तो बोला चिंता मत करो, आपका 2 लाख का लॉस है, हम एक काम करते हैं, ऐसा क्या करें कि इसको 2 लाख मिल जाए। अगर मैं इसे 2 लाख देता हूं तो लॉस ही खत्म होगा, तो इसे 4 लाख देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आर्स का नेट प्रॉफिट में लिख दूंगा मैं 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख देंगे तो बराबर होगा। अब डेफिशिएंसी बताओ कितना है हमारा सर। अब जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी हमारा आ गया 4 लाख का। अब 4 लाख रुपए कौन बांटेगा, ये दोनों, किस रेशियो में? इस रेशियो में। तो 4 लाख/5, 3.20 इसमें ऐड हो जाएंगे, 3.20 और 1, 80,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो क्या आ गया, इसका आ जाएगा 4 लाख। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका तो 2 लाख है ही है, इसका 4.80, 8 लाख रुपए। बेसिकली बुक वालों ने ये पैटर्न फॉलो किया हुआ है आंसर में। मैं एक बार आंसर भी समझा देता हूं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बाकी इस पर डिटेल डिस्कशन जैसे ही लाइव क्लास में हम आएंगे तो करेंगे। पहले करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, देखो 4.80 डेबिट, 3.20, तो 4.80, 3.20 और 2.20 डेबिट कर दिया। उसके बाद बोलता है रोहित को 2 लाख रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, तो लॉस को, तो हमने डेफिशिएंसी 3.20 जो था, तो देखो 3.20 इसमें ऐड कर दिया डेबिट फिर से, और बॉबी को मैंने 80,000 से कर दिया, ठीक है, और 4 लाख रुपए से इसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से यहां पे आंसर गिवन है अल्टीमेटली देखा जाए तो। हमारा ये बड़ा ही आसान, पहले भी देखोगे तो उसका जब टोटल करोगे ना आप एक्चुअलिटी में, तो यही रिजल्ट आएगा, वहां भी 12 लाख रुपए आ रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61, लास्ट क्वेश्चन था। आपकी इच्छा है जैसे भी करना चाहो, दोनों ही वैलिड है, नीचे नोट देना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बच्चों के डाउट थे सर, दो पार्टनर वाले नहीं कराए, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी खत्म हो चुका है। अब किसी के डाउट होते हैं तो मैंने देखो अपना नंबर दे रखा है व्हाट्सएप, और बाकी अदर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को ओवर करते हैं, और ये चैप्टर हम अभी खत्म करते हैं। लेकिन मैं जाते जाते बता दूं, इस चैप्टर में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है
वो अलग से मैंने स्किप कराया, क्योंकि ये ना इससे ज्यादा डिटेल में किसी और चैप्टर में है और इस चैप्टर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो हम वहीं पे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स फ्लक्चुएशन, एक ये टॉपिक रह गया। मैनेजर बिकम पार्टनर का जो क्वेश्चन था वो कर दिया हमने। एक आध क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डाउट हो सकते हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करें। धन्यवाद बच्चों।